में पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है कॉन्फिडेंस लेवल। क्योंकि अगर बार बार हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है, बार बार हम खुद को डाउट करते हैं कि होगा कि नहीं होगा, आता है कि नहीं आता है, तो हमारे कई दिन बीच में खराब हो जाते हैं ना। दो तीन दिन खराब हुए है ना, फिर से हमने उठ के मेहनत शुरू की, फिर से ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया कि नहीं होगा नहीं होगा, फिर से दो तीन दिन खराब हो गए। तो ये जो खराब दिन है इस टाइम पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना बहुत जरूरी हो जाता है इस क्रूशियल टाइम। तो इसमें जो मेन जो आपके जो सहायक बनेंगे, हेल्पर बनेंगे, वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। उसका रीजन एक है कि जो पहले क्वेश्चन आए हैं, है ना, हमने PYQ किए और हमसे वो सॉल्व हो गए, या पूरे सॉल्व नहीं होते, 90% सॉल्व हो गए, 85% सॉल्व हो गए, बाकी के हमने सॉल्यूशन देके जैसे तैसे कर लिए, है ना। तो अगर वो PYQ से हम निकल जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल दिमाग में आ जाएगा कि जो नीट में एग्जाम में पहले पूछा गया है वो हमने कर लिया है। तो इस चीज से जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो आपको बाकी चीजें नहीं दे पाएंगे। PYQ के थ्रू है ना सारा अपना सिलेबस रिवाइज करते रहना है, बहुत सारे PYQ। अब आप पूछो कब तक के PYQ करने हैं ना, वैसे तो कभी तक के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2010 के बाद के तो कर ही लेना। 2010 के बाद के जितने PYQ अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाएंगे वो सारे आपको करने हैं। और PYQ के साथ ही है ना एक NCERT आपके दिमाग में फिट बैठनी चाहिए, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि PYQ हो रहे हैं ना, और NCERT अपने को आती है, यही चीजें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। और NCERT को अच्छे से करने के लिए मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है मेमोनेट ऐप। तो इस ऐप में NCERT को लाइन बाय लाइन कवर किया गया है, और NCERT की हर लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और उसका रेफरेंस भी मिल जाएगा कि NCERT में वो कहां पे दिया गया, ठीक है। और NCERT को बड़े ही इंटरेक्टिव वे में, यूनिक वे में कवर किया गया है, जैसे कि है ना पूरी NCERT की MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएंगे, जंबल वर्ड्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएंगे, मीम्स की फॉर्म में, है ना, क्रॉसवर्ड्स की फॉर्म में। तो अलग अलग तरीके से NCERT को, जिसे है ना बोरियत भी नहीं होगी, उस तरीके से NCERT को कवर किया गया है। और आपको फ्लैश कार्ड चाहिए क्विक रिवीजन के लिए, वो अवेलेबल हो जाएंगे। और फॉर्मूला रिवाइज करने, फॉर एग्जांपल आपको फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करने हैं उसके लिए अलग से सेक्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला रिवाइज करने हैं उसके लिए अलग से सेक्शन है, और असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन है जो कि थोड़ा दिमाग घुमाते हैं वो एक सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन है ना, खाली नेम रिएक्शन एक ही जगह पर रिवाइज हो जाएंगे। और फिजिक्स में जैसे कुछ टॉपिक्स है जहाँ पे कंफ्यूजन है उनके लिए लेक्चर वीडियोस भी मिल जाएंगे, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन उसका अलग से सेक्शन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, जैसे कि मैंने है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बताई, तो PYQ आपको प्रैक्टिस करने हैं उसके लिए पूरा चैप्टर वाइज अलग से सेक्शन है, और टेस्ट सीरीज जितने भी आपको टेस्ट देने हैं प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस है ना, बहुत सारे टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरा है ना बायोलॉजी पूरी हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। देखो सबके माइंड में थोड़े नेगेटिव थॉट्स तो है ना नेचुरल है, आ जाएंगे, बट उस नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा देर दिमाग में रहने नहीं देना। नेगेटिव थॉट आया तुरंत उसको 2 मिनट में बाहर करना है। अगर उसको आपने अपने दिमाग में जगह दे दी कि उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं ना, फिर वही पेज पे लिखने लग गए कि इतने चैप्टर इतने दिन में कर लेंगे, फिर वही है ना कैलकुलेशन नंबर्स का, मार्क्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बायो में इतने आ जाएंगे, इसमें इतने आ जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी करनी है कि काम करना है, दिमाग में ज्यादा चीजें नहीं घुमानी है, ज्यादा नहीं सोचना है, है ना। जितना काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, पेन पेपर से यूज करो, ऐसा मत करो कि किताब लेके बैठे हो बस उसको पढ़ रहे हो, फिर आप ख्यालों में खो जाओगे। ज्यादा कोशिश करो कि हम है ना पेन पेपर लेके उस पर लिख के काम करें, क्योंकि आपने नोटिस की होगी जनरली हम डायरेक्ट किताब से पढ़ रहे हैं तो हम ख्यालों में खो जाते हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कहीं भी चले गए, 1 घंटा हो गया, खुद को ही नहीं पता 1 घंटे से क्या सोचे जा रहे हैं। हाँ, तो कोशिश करनी है, पेज लेना है, पेन लेना है, उस पे काम करना है, लिखते रहना है, ताकि है ना ध्यान इधर उधर ना जाए, और थोड़ा बाहर निकल के आना है। ऐसा नहीं है कि कमरे में खुद को बंद कर रखा है पूरा दिन, नहीं, थोड़ा बाहर निकलना है, उससे फर्क पड़ता है, थोड़ा डाइवर्जन आती है, फर्क पड़ता है चीजों पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद।